Assalamu alaikum, my name is Ms. Bashir and welcome to Park College YouTube channel. Viewers, आज की हमारी वीडियो में हम पावर पॉइंट में ऐसे इफेक्ट तैयार करेंगे जिनको आप अपनी प्रेजेंटेशन में यूज करके अपनी प्रेजेंटेशन में चार चांद लगा सकते हैं या फिर उसको मजीद अट्रैक्टिव बना सकते हैं. व्यूवर्स, जब भी प्रेजेंटेशन की बात की जाती है तो आप सब जानते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि हमें प्रेजेंटेशन क्रिएट करने में हेल्प करता है. उसमें ऐसे ऑप्शंस मौजूद हैं जिस जो कि हमारी प्रेजेंटेशन को मजीद बेहतरीन बनाते हैं. उसी तरीके से आज भी हम एक ऐसा ही इफेक्ट तैयार करेंगे जो कि आप अपनी प्रेजेंटेशन में यूज कर सकते हैं. अगर आप एज अ स्टूडेंट प्रेजेंटेशन क्रिएट करें या अगर आप कहीं जॉब करते हैं प्रोफेशनल, वहां पे आप किसी भी प्रोजेक्ट में अपनी प्रेजेंटेशन बना रहे हैं और वहां पे अगर आपको कोई इफेक्ट क्रिएट करना है तो ये वाला इफेक्ट आप वहां पर ऐड कर सकते हैं. इस तरीके के इफेक्ट अपनी प्रेजेंटेशन में प्रेजेंट करवा सकते हैं, डिस्प्ले करवा सकते हैं. तो आइए चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ. सबसे पहले आते हैं अपने प्रेजेंटेशन यानी के अपने लेआउट पर. फर्स्ट स्लाइड, यहां से आने के बाद सबसे पहले आप एक टेक्स्ट बुक इंसर्ट करेंगे. मैंने टेक्स्ट बुक को सिलेक्ट किया एंड देन यहां से आने के बाद ड्रॉ. कोई भी आप टेक्स्ट लिख सकते हैं जिस पे आप बनाना चाहें. लाइक मैंने यहाँ टेक्स्ट लिखा फायर, देन मैंने इसको सिलेक्ट किया. सिलेक्ट करने के बाद फॉन्ट साइज इंक्रीज, देन यहां से सेंटर लाइन. फॉन्ट स्टाइल पे आके आप राइटिंग स्टाइल चेंज कर सकते हैं जो आपको बेटर लगे. यहां से मैंने कहा मुझे ये वाला राइटिंग स्टाइल चाहिए एंड देन यहां से मैंने इसको रिसाइज किया एंड देन सेंटर लाइन. ये काम करने के बाद स्टूडेंट्स आपने अपने टेक्स्ट को सेट कर लिया. अब आएंगे आप शेप्स पर. शेप्स आपको यहाँ होम टैब में भी मिल जाएंगे, अदरवाइज आप इंसर्ट पे आइए. इंसर्ट पे आने के बाद शेप्स का ऑप्शन यहाँ पर भी मौजूद है. लाइक मैंने एक रेक्टेंगल सिलेक्ट किया. सिलेक्ट करने के बाद अपनी स्लाइड पे मैं इसको ड्रॉ करूंगी. ड्रॉ करने के बाद जब भी शेप पर काम करते हैं स्टूडेंट्स आपको पता है हमारे पास ड्राइंग टूल एक्टिव हो जाता है एंड ड्राइंग टूल में हमारे पास टैब आता है फॉर्मेट. शेप पर किसी भी किस्म की फॉर्मेटिंग करनी है आप फॉर्मेट टैब से आके करते हैं. सबसे पहले आते हैं शेप फिल. शेप फिल पे आने के बाद लाइक मैंने इसका कलर चेंज किया एंड शेप आउटलाइन से नो आउटलाइन. डन हो गया स्टूडेंट्स. ये काम करने के बाद अब ये वाली ऑब्जेक्ट यानी कि ये रेक्टेंगल बॉक्स मुझे टेक्स्ट के बैक साइड पर चाहिए. तो यहाँ फॉर्मेट टैब पर देखिएगा ऑप्शन आ रहा है आपके पास सेंड बैकवर्ड. इस पे एक बार क्लिक करिएगा तो यहां से आपका ऑब्जेक्ट पीछे चला जाएगा एंड टेक्स्ट आपका फ्रंट एंड हो जाएगा. ये काम करने के बाद आपने अपना रेक्टेंगल बॉक्स एंड देन टेक्स्ट को इन दोनों को आप सिलेक्ट करेंगे. फॉर्मेट टैब में आपके पास ऑप्शन आता है मर्ज शेप. मर्ज शेप क्या काम करता है कि आप मल्टीपल ऑब्जेक्ट को एक शेप में कन्वर्ट कर सकते हैं. एक ऑब्जेक्ट में आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं. यहाँ पर अभी मेरे पास दो ऑब्जेक्ट मौजूद हैं, एक रेक्टेंगल एंड सेकंड मेरे पास टेक्स्ट. मैंने यहाँ से इन दोनों को सिलेक्ट किया. मर्ज शेप पर आइए. मर्ज शेप पे आने के बाद सब्ट्रैक्ट. ये काम क्या करेगा, यहां से अगर मैं आपको जूम आउट करके दिखाऊं तो देखिएगा कि मेरा टेक्स्ट एंड मेरा ऑब्जेक्ट दोनों क्या हो गए, एक ही शेप में कन्वर्ट हो गए. यहां से आने के बाद गो टू इंसर्ट टैब. इंसर्ट टैब में आने के बाद मीडिया के ग्रुप में वीडियो एंड देन वीडियो ऑन माय पीसी. वीडियो सिलेक्ट करेंगे एंड देन मैंने यहां से इसको इंसर्ट कर लिया. इंसर्ट करने के बाद सबसे पहले आप अपनी वीडियो को रिसाइज करेंगे. लाइक जितना आपका टेक्स्ट है आप चाहें तो वीडियो उतनी ही रिसाइज करके रख सकते हैं. मैंने यहां से इसको रिसाइज किया. रिसाइज करने के बाद फॉर्मेट टैब पर आइए. सेंड बैकवर्ड. सेंड बैकवर्ड करने के बाद वीडियो टूल्स में प्लेबैक के टैब में आने के बाद यहां पर देखिए स्टार्ट का ऑप्शन आ रहा है. इन क्लिक सीक्वेंस से आप यहां से सिलेक्ट करेंगे ऑटोमेटिकली. ऑटोमेटिकली सिलेक्ट करने के बाद लूप अंटिल स्टॉप पर चेक लगाएंगे. लूप अंटिल स्टॉप पर चेक लगाने से क्या होता है कि लाइक अगर आपकी वीडियो शॉर्ट है तो वो बार बार क्या करेगा, उस कॉन्टेंट को रिपीट करेगा एंड देन डन. यहां से F5 प्रेस करते हैं स्टूडेंट. देन आप इसमें अगर चेंज करना चाहें, मैं यहां से स्केप की प्रेस करूंगी, बैक जाती हूँ. फॉर्मेट में आने के बाद शेप फिल एंड देन मैंने कहा इसका कलर मुझे ब्लैक चाहिए एंड द फाइनल रिजल्ट.
व्यूअर्स, आई होप आपको ये इफेक्ट पसंद आया होगा। हम मजीद इसी तरह के इफेक्ट लेके आते रहेंगे जो कि आपके प्रेजेंटेशन को मजीद अट्रैक्टिव बनाने में हेल्पफुल रहेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा, एंड पाक कॉलेज के चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।